हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम NIOS क्लास 10 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का है, हम एज अ सैम्पल पेपर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका फर्स्ट पेज है। इसमें आपको लिखा हुआ है कि टोटल 29 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। ठीक है, टोटल 29 क्वेश्चन आने हैं और 10 प्रिंटेड पेजेस होंगे और साथ के साथ एक मैप भी आएगा। ठीक है, मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो रोल नंबर आपको यहाँ लिखना होगा, सोशल साइंस जिसका कोड है 213। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट ये लिखा हुआ है। ठीक है, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होता है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इन्विजिलेटर का साइन होना है, मतलब जो क्लास में टीचर आएंगे उनका साइन होगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा कैंडिडेट को अपना सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना होगा, जो कि मैंने अभी भी आपको यहाँ पर बताया। सेकंड में कह रहे हैं कि आप इंश्योर कर लो कि 29 क्वेश्चंस और 10 पेजेस प्लस आउटलाइन मैप है, तभी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, थर्ड में कह रहे हैं कि एमसीक्यू में सिर्फ उसका ऑप्शन है वही लिखना है, और फोर्थ में कह रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको, जो फिक्स टाइम है उसी में आपको जो है करना है। फिफ्थ में कह रहे हैं कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर करते हो आंसर बुक में, मतलब जो आपको कॉपी मिलेगी आंसर लिखने के लिए, उसमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क या अपना रोल नंबर लिखते हो तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। आपको आंसर बुक में सिर्फ और सिर्फ अपना जो है क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट लिखना होता है और कुछ भी नहीं लिखना होता। सेवन्थ में कह रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन पेपर दो लैंग्वेज में मिलेगा, आपको हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप चाहते हो कि दूसरी लैंग्वेज में इसका आंसर लिखना है तो क्वेश्चन आप किसी हिंदी या इंग्लिश या जैसे भी आप पढ़ के आप इन बाकी किसी एक लैंग्वेज में इसका आंसर दे सकते हो, आपकी अपने अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है, बोर्ड इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वही चीज यहाँ पर आपको देख लो हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 29 क्वेश्चन होंगे, 4 सेगमेंट होंगे, 4 प्लस 5। ठीक है, अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट जो है आपको एमसीक्यूज आएंगे, 4 एमसीक्यूज आएगा एक नंबर का, तो 4 नंबर का एमसीक्यूज आएगा। फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है अब वो 4 आएंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले कितने हो जाएंगे, 8 नंबर। फिर उसके बाद थर्ड सेगमेंट में आपके जो है 15 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स ईच, मतलब 4 नंबर वाले 15 क्वेश्चन आएंगे, इसके बन जाएंगे 60 के। फिर उसके बाद चौथा सेगमेंट होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, 5 नहीं सॉरी 4 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ उसके लिए, 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स वाले। ठीक है, तो 20 ये बन गए। उसके बाद जो पांचवा लास्ट सेगमेंट होगा ये मैप का होगा। ठीक है, तो 2 मैप आएंगे, तो 2 मैप 4-4 नंबर के टोटल कितने हो गए, 8। ये टोटल ऐड करके बनते हैं आपके 100 मार्क्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट ईयर जो है आपका क्वेश्चन जो है किस तरह से आया हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको जूम कर देता हूँ यहाँ पर। देखो ये 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लो वही चीज है। तो ये आपके 2 एमसीक्यूज यहाँ पर शो हो रहे हैं आपके, बाकी के देखो 2 एमसीक्यूज यहाँ हैं, उसके बाद आपके फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सारे आपके जो 2-2 नंबर वाले, उसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए एज ए सैम्पल पेपर अगर यूज करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मेरे से जो है कमेंट करके बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक, वहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर भी आपको और मिल जाएंगे जिसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लोगे। मैं ये भी बता दूं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके जो है टोटल 28 क्वेश्चन आपके यहाँ होंगे। फिर लास्ट आपका ये मैप एक है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये जो आएगा लास्ट 28-29 आप देख रहे हो, ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए आता है, मतलब जिनके आंखों में इशू होता है। और ये लास्ट आपका जो है सैम्पल पेपर के सॉरी क्वेश्चन पेपर में जो आपको मैंने ऊपर दिखाया था ना कि आपको मैप मिलेगा, ये मैप है। ठीक है, यहाँ से कट करके लगाना है, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, फिर जाके ये करना होता है। ठीक है, उसी तरह आपका जो है सेट बी और सी भी आता है, सेम वही क्वेश्चन होते हैं, बस आगे पीछे होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।